यार मुझे लगता है हसनूद ने ऑयली क्वालिटी ज्यादा इसके पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन में पैसे खर्च किए, तभी इतना ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। मेरा नाम आशीष है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हसन ऊद के लक सूट को। और इसको ऑर्डर करने से पहले मैंने ये भाई की वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने बताया कि 5 मस्ट ऊद जो आपके पास होने ही चाहिए। आप ये वीडियो देखो। मैंने भाई की वीडियो देखी और मैंने कहा अगर ये भाई बोल रहा है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और उसके बाद भी मैंने 2-3 लोगों की और वीडियो देखी कि भाई क्या सच में ये प्रोडक्ट इतना वर्थ है, 1500 रुपये या 2000 रुपये, 2500 रुपये आप इस पर लगा रहे हो, कहीं ये इम्पल्स परचेज ना हो जाए। आप एक दो बार यूज करो उसके बाद पड़ा ही रह जाए। इस प्रोडक्ट को मैंने ऑलमोस्ट 1.5 या 2 ml के आसपास यूज कर लिया है, आप ये देख सकते हो, विद इन 1 और 2 डेज। और उसके बेसिस पे मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू बहुत ही मिक्स है। प्रोडक्ट जैसा लोगों ने बताया था, जैसा लोगों ने रिव्यू किया था, उसके काफ़ी अपोजिट मुझे पर्सनली फील होता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो बता दूं आपको इस चैनल पर मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज टाइमली मिलती रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर मैं YouTube पे प्रेगनेंस कंटेंट क्रिएटर की बात करूं तो हसन सिद्दीकी काफ़ी रिनाउंड नेम है, लोग इनकी बातों को मानते हैं, अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोइंग है। रिसेंटली मैंने इनकी वीडियो देख रहा था, उनमें इन्होंने बोला कि जो 5 ऊद आपके पास मस्ट होने ही चाहिए, उनमें से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को टॉप पे बताया। लक्स ऊद आपके पास होना चाहिए, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है, रूम फिलिंग या फिर बहुत ही पार्टी ओरिएंटेड बताया था इन्होंने। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। जब मैंने प्राइस देखा तो मेरी तो फट गई। मैंने कहा कि चलो भाई कुछ और देख लेते हैं, कुछ और रिव्यू देख लेते हैं, अगर सच में अच्छा हुआ सब बातें करेंगे तो मैं भी ऑर्डर कर लूँगा। तो 3-4 कंटेंट क्रिएटर्स की मैंने वीडियो देखी, सब इसके बारे में बहुत सारी तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने 1500 रुपये दे के 6 ml ऑर्डर कर लिया। पैकेजिंग टॉप नॉच है, पैकेजिंग में कोई कमी नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लक्स ऊद की इस मेल को ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ी बहुत इसके हम नोट्स के बारे में बातें कर लेंगे। अब से 15-20 मिनट पहले मैंने इस हाथ पे भी इसको लगा रखा है जस्ट टू फील द बेस एंड मिडिल नोट। अगर मैं इसके इनिशियल स्मेल की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा एनिमेलिक है ड्यू टू द कंबोडियन वुड। अगर आप फर्स्ट टाइम ऊद यूजर हो तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। अगर आप इस फ्रेगनेंस को 100 लोगों को स्मेल कराओगे, उनमें से 95 लोगों को ये फ्रेगनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है, खासकर इनिशियल प्रोजेक्शन या इनिशियल स्मेल की बात करूं तो। मैं उसके बाद 5 से 7 मिनट बाद आपको रोज के साथ सेफ्रन की स्मेल देखने को मिलती है। लेमन की स्मेल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर लेमन पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा लेदर की स्मेल, और रोज की स्मेल थ्रू आउट रहती है। कंबोडियन वुड 30 से 35 मिनट बाद फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत ही प्यारी सी जेरेनियम के साथ अगरवुड की स्मेल देखने को मिलती है, जो लास्ट करती है अप टू 120 मिनट के आसपास। तो गाइज ये रहा ओवरऑल इसके स्मेल की बात करूँ तो। मेरे पास है एक एम्बर ऊद जो पराग फ्रेगनेंस का है, मतलब ये 5 से 6 पैक आते हैं जो 400-500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे, 6-6 ml के। काफ़ी तक इसकी स्मेल इसके जैसी ही है, बस इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो वो है रोज ऑयल। रोज इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है, वरना ऑलमोस्ट सेम स्मेल मैं इसको बोल सकता था। अगर मैं लक्स ऊद की लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ये आपकी स्किन पे रहता है अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 2.5 घंटे के आसपास, वेयर एज कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे के आसपास जाता है। कपड़ों पे ही रहता है 6 से लेकर 6.5 घंटे के आसपास। शायद से अगर उसकी स्मेल थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन 24 घंटे के आसपास बिल्कुल भी नहीं जाती। अगर मैं लक्स ऊद के प्रोजेक्शन की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि इसका प्रोजेक्शन है काइंड ऑफ रूम फीलिंग है, मतलब 5 से 6 फीट जाना ही चाहिए, जाता है। बट शायद मैं इसका अत्तर यूज कर रहा हूँ, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो जाता है 3 से लेकर 3.5 फीट के आसपास, और वो इनिशियली 5 से लेकर 10 मिनट के आसपास होता है। उसके बाद जो बहुत कोई क्लोज रेडियस में आएगा 2 से लेकर 2.5 फीट के आसपास, वही इसको जज कर सकता है, इसकी स्मेल को पहचान सकता है या बता सकता है कि आपने कुछ ऐसा लगा रखा है ऊद जैसा कुछ। अगर लक्स ऊद के बारे में अपने ओपिनियन की बात करूँ तो फर्स्ट इन फर्स्ट ये बहुत ही इम्पल्स परचेज है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही इम्पल्स परचेज है। शायद मुझे फ्रेगनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, या तो जो अदर कंटेंट क्रिएटर हैं वो इसके बारे में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आइदर ऑफ द केस हो सकता है। और अगर मैं इसके स्मेल की बात करूँ तो इनिशियली स्मेल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली, लेकिन उसके बाद इसकी स्मेल बहुत ही प्लीजिंग है। कंपनी जहाँ क्लेम करती है कि इसकी लॉन्जिविटी जाती है
अप टू 12 आवर स्किन पे, वेरा जो मुझे फील होता है 2 से लेकर 2.5 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी है स्किन पे, कपड़ों पे अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 6 घंटे के आसपास। प्रोजेक्शन बिल्कुल भी रूम फीलिंग नहीं है, इनिशियली 5 से लेकर 7-10 मिनट के आसपास, यस 5 से 7 फीट जाता है, बट उसके बाद बहुत ही कोई क्लोज रेडियस में आएगा वही आप इसको फील कर पाएगा। 1500 से लेकर 2000 के रेंज में बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट अत्तर हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, जो इनके सैंपल हैं वो मंगा के देखो, और उनमें से कोई पसंद आए तो आप परचेज करो। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप रिकमेंडेशन देख रहे हो कि नहीं टॉप 5 वूड में ये टॉप पे दिखा रहे हैं, सेकंड थर्ड पे दिखा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे प्लीज़ आप इसको परचेज मत करना। रिकमेंडेशन बहुत अलग होती है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप सैंपल मंगाओ, उसको ट्राई करो, उसके बेसिस पे आप कोई भी चीज़ परचेज करो। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।